खुदा हाफिज़ कहना कैसा है खुदा हाफिज़ कहना कैसा है इसका जवाब देना कैसा है मोहम्मद सलमान साहब इंडिया से खुदा हाफिज़ का मतलब अल्लाह तुम्हारा निगेबान हो तो बिल्कुल जायज़ है जैसे फ़ी अरबी में कहते हैं अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहो तो बिल्कुल जायज़ है दुआ है ये असल में तो किसी से जाते हुए दुआएँ देना किसी भी अल्फाज के साथ दुआएँ दी जा सकती हैं ना अल्लाह की तरफ़ से पाबंदी है ना गवर्नमेंट की तरफ़ से, तरफ से इस पर कोई पाबंदी है तो नाजायज़ होने की जब तक दलील नहीं होगी तो इस दुआ को जायज़ ही कहा जाएगा कोई भी दुआ दी जा सकती है तो हाँ ये कह सकते हैं कि खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो बेहतर तो यही है कि अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए लेकिन खुदा भी जायज़ है क्योंकि खुदा फारसी में गॉड को कहा जाता है गॉड इंग्लिश में खुदा को कहा जाता है तो कोई भी मबूद उसके लिए अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है मबूद जो है ना अरबी का लफ्ज़ है जिसकी इबादत की जाए तो महबूद का लफ्ज़ भी ठीक है गॉड का लफ्ज़ भी ठीक है खुदा का लफ्ज़ भी ठीक है किसी भी ज़बान का कोई भी लफ्ज़ होगा वो ठीक है तो अल्लाह को किसी भी से ताबीर किया जा सकता है हाँ अल्लाह का जो नाम है अल्लाह यानी खुदा तो एक सिफाती नाम है ना और अल्लाह जो है उसका आलमी नाम है सिफात का मतलब ये होता है कि आदमी बहादुर है नाम उसका वसीम भाई है लेकिन आप उसको उसकी सिफत की वजह से बहादुर ख़ान या बहादुर अली कहते हो या बहादुर कहते हो तो ये भी ठीक है और उसके अब्बा ने जो उसका नाम रखा है वो मिसाल के तौर पर अली नाम रखा है या वसीम नाम रखा है तो वसीम नाम से भी पुकार सकते हो तो ये अलमी नाम है अलम जो वालदे नाम रखते हैं वो अलम होता है और जो पब्लिक जिस नाम से याद करती है उसकी सिफात की वजह से वो सिफाती नाम कहलाता है तो अल्लाह के बहुत सारे सिफाती नाम हैं उनमें वो अरबी में होना ज़रूरी नहीं है जैसे रहमान है रहीम है करीम है गफ़्फ़्फ़ार है और अजीज उन झुनिताम है ये सारे सिफाती नाम हैं तो ये अरबी में भी हो सकते हैं किसी सिफत को उर्दू में भी हाई किया जा सकते हैं इंग्लिश में भी हाई किया जा सकते हैं तो गॉड का मतलब होता है जो भी पैदा करने वाला इंग्लिश में गॉड जो भी जिसकी भी इबादत की जाए जो आसमानों पर है और अपने बंदों की निगरानी कर रहा है फारसी में उसको खुदा कहते हैं अब लोग ज़्यादा पेचीदगियों में चले जाते हैं कि जी खुदा जो है वो तो फ़लाने लफ्ज़ से निकला है तो फ़लाने से निकला है तो उसका तो ये मतलब था तो उसका तो ये मतलब लुगत इन चीज़ों को नहीं देखती कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से निकला है लगत ये देखती है कि अब किस माना में इस्तेमाल हो रहा है इसकी मैं अक्सर मिसालें देता हूँ कि मूसा का लफ्ज़ अरबी में ब्लेड और उस तरह को कहा जाता है हालाँकि मूसा सलाम तो एक पैगम्बर भी थे तो अब फ़कहा मूसा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जगह जगह के सर से सर के बालों को मूसा के ज़रिए काट सकते हैं आप तो क्यों यहाँ किसी और माना में यूज़ हो रहा है और जब फ़िरौन के मुकाबले में जो जलील कदर पैगंबर आए थे तो वहाँ बिल्कुल एक नए माना में इस्तेमाल हो रहा है तो यही बहस लोग छेड़ देते हैं हलीम के बारे में कि हलीम अल्लाह का नाम है तो लिहाजा जो हलीम की देग है उसको हलीम नहीं कहना चाहिए दलीम कहना चाहिए तो ये क्या बात हुई भाई जो पब्लिक ने जिस चीज़ को जो नाम दिया वही कहा जाएगा ना तो अल्लाह का नाम हलीम किसी और माना में है और जो देग जो रोटी के साथ खाई या चम्मच के साथ खाया जाता है वो किसी और माना में है तो लुत इन पेचीदगियों को नहीं देखती तो जो उर्फ में जिस चीज़ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वही यूज़ करना चाहिए तो इसलिए अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम खुदा भी है जो यानी आज कल उर्फ में उसको यानी नामों का मतलब ये नहीं कि कुरान और सुन्नत ने हमें बताया है बल्कि उर्दू में या फ़ारसी में खुदा भी इस्तेमाल होता है अल्लाह के लिए और कहा जाता है कि जो खुद से हो यानी वाजिबल वजूद हो तो वाहल उसकी जो वजह तस्विया या उसको ये नाम क्यों दिया गया हमें इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बस गॉड को उर्दू में खुदा कहते हैं तो इसलिए खुदा का लफ्ज़ भी अल्लाह के लिए बिल्कुल जायज़ है इसमें कोई गुनाह नहीं है हाँ नाम जो है वो अल्लाह है जो अल्लाह ने ख़ुद अपने लिए तजवीज़ किया है तो सिफात से भी पुकार सकते हैं आप अल्लाह ताला को और से भी पुकार सकते हैं जो अल्लाह का नाम है जैसे मैंने बताया कि किसी ने अपने बच्चे का नाम वसीम रखा तो वसीम से भी पुकार सकते हैं आप उसको और उसके अंदर कोई अच्छी सिफत होगी बहादुर है तो बहादुर कह के भी पुकार सकते हैं आप उसको तो इन इन टेक्निकल चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए अल्लाह को बस याद करना चाहिए इस ये ये अहम चीज़ है इसको फोकस करना चाहिए